जय हिंद। चलिए हम आज पढ़ेंगे बैटरी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। इसमें लगभग सभी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बन सकते हो कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत, और ये पार्ट वाइज में आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट इज जनरली इंस्टॉल्ड, अर्थात बैटरी चार्जिंग उपकरण आमतौर पर स्थापित किया जाता है। बैटरी चार्जिंग उपकरण आमतौर पर स्थापित किया जाता है, अर्थात बैटरी को हम कहाँ पर स्थापित करते हैं चार्जिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन है इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन, अर्थात एक अच्छी हवादार स्थान में, साफ और सूखी जगह पे बैटरी चार्ज करने के लिए व्यवहारिक रूप में निकट, अर्थात बैटरी चार्ज करने के लिए व्यवहारिक रूप से मतलब निकट जहाँ पे हम यूज कर सके, और उपरोक्त सभी विशेषताओं वाले स्थान पर। इसमें हम देखते हैं कि बैटरी चार्जिंग के लिए अच्छी हवादार स्थान भी हो ताकि उसका वेंटिलेशन अच्छा हो और गैसें पर्याप्त मात्रा में बाहर निकल सके। फिर साफ और सूखी जगह होनी चाहिए, ये भी सही है, और बैटरी चार्ज करने के लिए प्रैक्टिकली रूप से वो निकट होना चाहिए जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सके, अर्थात इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं कि डी, उपरोक्त सभी विशेषताओं वाले स्थान पर। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेकंड है, यदि एक लेड एसिड सेल को 1.8 से नीचे डिस्चार्ज किया जाए, अर्थात 1.8 वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज किया जाए तो क्या होगा, निम्न में क्या होगा। पहला ऑप्शन है सेल की क्षमता में कमी आएगी, दूसरा है प्लेटों का सल्फेटीकरण होगा, अर्थात प्लेट का सल्फेटीकरण सल्फेशन होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और उपरोक्त में से सभी घटित होंगे। तो ये सभी चीजें होती हैं अगर हम सेल को बिल्कुल 1.8 से नीचे डिस्चार्ज करते हैं तो ये मिनिमम डिस्चार्जिंग वोल्टेज होती है, और इसे नीचे जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो सेल की क्षमता में कमी आती है, इसीलिए हमें 1.8 वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर बी, प्लेटों का सल्फेटीकरण होगा, प्लेटों का सल्फेटीकरण भी होगा, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर सल्फेटीकरण होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी। इस प्रकार ये तीनों ही ऑप्शन सही है, अतः चौथा ऑप्शन हमारा सही मान्य मान्य होगा, जो उपरोक्त सभी घटित होंगे, अर्थात इसमें भी ऑप्शन हमारा डी सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, अर्थात विद्युत अपघटन के दौरान जो विद्युत अपघट्य से द्रव्यमान को एकत्रित करने का सूत्र होता है वो क्या होता है। ये फैराडे के विद्युत अपघटन का फर्स्ट लॉ है, जिसमें हमने हमें सीखा है कि जो भी पदार्थ इकट्ठा होता है वो m इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल q के होता है, जो कि m प्रोपोर्शनल क्यू बराबर आई टी या आई टी, और जब ये सिंबल हटता है समानुपाती का तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हम जेड से लिखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपेलेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, ई सी ई जिसे हम बोलते हैं, और आई टी अर्थात एम बराबर जेड आई टी सही होगा। इसमें से एम बराबर जेड आई टी ग्राम, ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मरकरी सेल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक,
अर्थात जो मरकरी सेल है निम्न में से कौन सी विशेषताएं रखती है। पहला ऑप्शन है फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज कर्व, अर्थात इसकी जो करंट का डिस्चार्जिंग करंट है वो फ्लैट होता है, इसका कर्व फ्लैट होता है अर्थात एक समान बना रखता है। और वजन रेशियो अनुपात, अर्थात हाई पावर टू वेट रेशियो इसका उच्च होता है, पावर टू वेट रेशियो इसका उच्च होता है, ये भी सही है। और उच्च तापमान और आर्द्रता की प्रतिकूल परिस्थितियों में तुलनात्मक रूप से लंबी सेल्फ लाइफ, अर्थात ये आर्द्रता या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अन्य बैटरियों की तुलना में अच्छी अच्छी इसकी लाइफलाइन माने लाइफलाइन होती है। तो इस प्रकार से एक मरकरी सेल में तीनों ही ऑप्शन ये सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन डी जो हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी डी सही होगा, क्योंकि फ्लैट वक्र इसका होता है कांस्टेंट वोल्टेज होता है लगभग, और इसका हमारा जो डिस्चार्ज और पावर रेशियो होता है ये भी उच्च होता है, और उच्च तापमान सहने के लिए भी प्रतिकूल होता है, ये उच्च तापमान भी सहन कर सकता है और ये लॉन्ग लाइफ भी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से हमको गलत सेंटेंस चुनने हैं। जैसे कि एक भंडारण सेल अर्थात एक स्टोरेज सेल में एक प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक जो स्टोरेज सेल होता है लेड एसिड सेल हो या एल्किलाइन सेल हो, इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्जिबल होता है, अर्थात ये सही है, एक सेल में रिवर्जिबल स्टोरेज सेल में रिवर्जिबल होता है रिएक्शन। हमने जब देखा था कि जब सेलों में रिएक्शन होते थे उसमें हमने बीच में तीर एक चार्जिंग के दौरान और एक डिस्चार्जिंग के दौरान इस प्रकार हमने इस्तेमाल किया था जो रिवर्जिबल का संकेत होता है, अर्थात चार्जिंग के समय एक रिएक्शन और वही पुनः पुनः अपनी स्थिति में लौट आने की प्रक्रिया रिवर्जिबल रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार एक लेड एसिड सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही, लेड एसिड सेल को हम जानते हैं कि वो रिचार्जेबल होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है। कार्बन जिंक सेल में असीमित सेल्फ जीवन होता है, अर्थात कार्बन जिंक अर्थात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन जिंक सेल होता है हम ये प्राइमरी सेल में इस्तेमाल करते हैं और ये सेल्फ असीमित अर्थात अनंत समय तक ये चलता है, जो कि गलत है, कोई भी सेल असीमित समय तक नहीं चलता है। एक प्राइमरी कोशिका अर्थात एक प्राइमरी सेल में एक अपरिवर्तनीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात ये सही है, एक जो प्राइमरी सेल होती है उसमें रिवर्सिबल रासायनिक ये हमारा रिएक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही बार केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के पश्चात एक ही बार रिएक्शन होता है जो कि अपरिवर्तनीय होता है, और इसीलिए हम इसे रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये भी सही है और फर्स्ट सेकंड सही है। गलत सेंटेंस हमारा है कि कार्बन जिंक जो सेल होता है असीमित लाइफ का होता है, ये गलत है, अर्थात इसके अकॉर्डिंग इसमें हमको गलत को ही चुनना था, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। छठा है कि सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, अर्थात सेलों का जो समानांतर में जुड़े हुए हों तो वो क्या बढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सेलों का ग्रुप अप जो सेल होता है उसको हम करंट या फिर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज और पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा था कि अगर सेलों को हम श्रेणी में जोड़ें तो इनसे वोल्टेज में वृद्धि होती थी, ठीक इस तरीके से ये सभी वोल्टेज जुड़ करके श्रेणी में टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट बना देते हैं। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें तो अगर पैरेलल में हम सेलों को जोड़ें
तो ये मिलके करंट में वृद्धि कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ें सेलों को तो वो करंट में वृद्धि करेंगे, अर्थात करंट की क्षमता को बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक लेड एसिड सेल की क्षमता पर निर्भर करता है, अर्थात द कैपेसिटी ऑफ ए लेड एसिड सेल डिपेंड्स ऑन, एक जो सेल की कैपेसिटी है लेड एसिड की वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए रेट ऑफ डिस्चार्ज, अर्थात डिस्चार्ज की रेट पे, अर्थात जो भी हम इसकी निरावेशन करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे उसकी रेट क्या होनी चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है लेड एसिड सेल की क्षमता। फिर तापमान पर भी निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर भी निर्भर करता है, अर्थात सेल की क्षमता इन तीनों पर ही डिपेंड होती है। अगर इन तीनों में अगर हम गड़बड़ी देखते हैं तो हमारी सेल की क्षमता घट जाती है। अतः उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल से होता है, अर्थात द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज दैट एडिशन सेल, अर्थात जो लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एडिशन सेल की अपेक्षा कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लेड एसिड सेल होता है वो पीबी अर्थात लेड की बनी होती है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या लीड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इसके अपेक्षा हम एडिशन सेल जानते हैं कि ये निकिल आयरन सेल को ही हम एडिशन सेल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है निकिल और आयरन का जो प्लेट होता है वो नेगेटिव का बना होता है। और हम जानते हैं कि लीड की तुलना में आयरन की जो रेजिस्टेंस होती है वो अधिक होती है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एडिशन सेल से लेड एसिड सेल का रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेड एसिड सेल लेस देन द एडिशन सेल, या कह सकते हैं कि हम लेड एसिड सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो एडिशन सेल से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर चार्जिंग। अंडर चार्जिंग अर्थात हम अभी बैटरी को चार्ज नहीं कर रखे हैं उस कंडीशन में ये क्या होता है, जब उसको की पूरी चार्ज चार्जिंग वोल्टेज ना मिल रही हो। तो हम देखते हैं कि जब हम ओवर चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्रेविटी होता है वो बढ़ता है, और ये अंडर चार्जिंग की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को कम करता है, अर्थात रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात ये सही लग रहा है कि हमको अगर हम ओवर चार्जिंग करते हैं तो ग्रेविटी बढ़ता है और ये अंडर चार्जिंग है तो घटता है। सही है, आगे भी देख लें, बाकी ऑप्शन तो कहीं ऐसे नहीं है कि जो इसके अलावा भी सही हो। इलेक्ट्रोलाइट के सेकंड है, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है, ये तो गलत हो गया, ये ओवर चार्जिंग में होता है। ग है अत्यधिक गैसिंग पैदा करना, ये ओवर चार्जिंग के बाद ही होती है, जब फुल चार्ज के कंडीशन में बैटरी हो तब जा करके गैसिंग होती है, ये भी गलत है। और डी तापमान, ये भी गलत है, जब चार्ज हो जाती है तब बैटरी हीट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को कम करता है अंडर चार्जिंग के कंडीशन में। एक बैटरी की ओवर चार्जिंग करने पर यह सक्रिय सामग्रियों में रासायनिक परिवर्तन लाएगा, बैटरी की क्षमता को बढ़ाएगा, या इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट ग्रेविटी को बढ़ाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ इनमें से ओवर चार्जिंग करने पर, हम जानते हैं कि ओवर चार्जिंग करने पर बैटरी की क्षमता नहीं बढ़ती है, गलत। यह रासायनिक परिवर्तन लाएगा एक्टिव मटेरियल में, ऐसा नहीं है। यह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट ग्रेविटी को बढ़ाएगा, ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक बैटरी को ओवर चार्जिंग करने पर इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है कब? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल रिड्यूस्ड बाई, अर्थात किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कम कर सकते हैं कैसे? डिस्चार्ज के दौरान गठित गैस की अनुमति के लिए वेंट प्लग का उपयोग करना, अर्थात डिस्चार्जिंग के दौरान जो गैसें इकट्ठी हों, अगर हम वेंट प्लग का इस्तेमाल कर रहे हों तो उन गैसों को बाहर निकाल के और प्लेट पर ऑक्सीकरण होने से बचा करके हम उसमें उनके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं, ये भी सही है। प्लेट क्षेत्र में वृद्धि, अगर प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे, तो हमने हमें पता है कि R बराबर रो एल बाई ए होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर प्लेट के एरिया में वृद्धि करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं, ये भी सही है। और प्लेटों को एक साथ बहुत करीब रख करके, अगर हम प्लेटों को एक साथ नज़दीक में रखें तो भी हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अगर अगर प्लेटों को हम एक साथ पैरेलल के रूप में रखें तो हम जानते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जब जुड़ते चले जाते हैं तो वो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। इस प्रकार से ए बी सी तीनों ही सही है, इस प्रकार डी उपरोक्त सभी विधियां सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक बैटरी गलत तरीके से चार्ज पर लगी है तो निम्नलिखित होगा? अगर एक बैटरी को हमने गलत तरीके से चार्ज पर लगा दिया है तो क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन है, बैटरी द्वारा दिया जाने वाला करंट अधिक होगा। नहीं, बैटरी द्वारा दिया जाने वाला करंट अधिक नहीं होगा, ये नहीं होगा। करंट ड्रॉइंग शून्य होगा। करंट बैटरी के द्वारा लिया जाने वाला करंट शून्य होगा, नहीं ये भी गलत। करंट ड्राइंग बहुत छोटा होगा, नहीं लिया गया करंट छोटा नहीं होगा, लिया गया करंट बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात बहुत ही अधिक होगा। अर्थात जो बैटरी को हमने गलत कनेक्शन में लगा रखा है, उस बैटरी का कनेक्शन हम देखें तो मान लें कि ये सप्लाई है और ये बैटरी है, इस बैटरी में दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। ये पॉजिटिव मान लें और ये निगेटिव मान लें, और ये सप्लाई का मान लें कि गलत कनेक्शन कर दिया गया, ये माइनस और ये प्लस, और इनको कनेक्शन कर दिया गया तो क्या होगा? हम जानते हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव से करंट चलता है और निगेटिव में जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगा और इसको हम चार्ज में लगाएं, और जो कि उल्टा हमने कनेक्शन कर दिया हो, तो हम देख रहे हैं कि करंट ये पॉजिटिव से जब निगेटिव टर्मिनल से टच होगा तो ज़्यादा तेजी से ये करंट लेना चालू करेगा, और बैटरी के अंदर ये करंट माइनस से प्लस की ओर जाएगा और बड़ी तेजी से फिर प्लस से माइनस, ये बिल्कुल सपोर्टेबल करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की भांति ये काम करेगा,
जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट में करंट हाई हो जाएगा, अर्थात जो बैटरी हमारा होगा सप्लाई से ज़्यादा करंट लेना चालू कर देगा। अतः यदि एक बैटरी को हम गलत तरीके से चार्ज पर लगा देते हैं तो वो करंट ड्राइंग बहुत अधिक होगी उसकी, अर्थात करंट बहुत अधिक खींचेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संकेत देते हैं कि चार्ज पर बैटरी ने पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया। अगर हमने किसी बैटरी को चार्ज में लगाया हुआ है तो वो क्या संकेत हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। द फॉलोइंग इंडिकेट द बैटरी ऑन चार्ज हैज अटेंड फुल चार्ज। इसमें हम देखते हैं कलर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड होंगे उनके कलर से पहचान सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो पॉजिटिव प्लेट होता है और जो नेगेटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट गहरे चॉकलेटी कलर के रंग में गहरा चॉकलेटी कलर बन जाता है, और ये जो नेगेटिव प्लेट होता है वो ये हमारा ग्रे कलर का हो जाता है या भूरा कह सकते हैं, ठीक, हल्का भूरा या सलेटी सलेटी कलर। तो इस तरीके से हम कलर को भी देख करके पहचान कर सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से चार्ज हुए या नहीं। फिर गैसिंग, अगर गैसिंग होने लगी वो इलेक्ट्रोडों पर तो हम समझ सकते हैं कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो गया है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइड्रोमीटर से हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी को चेक करके भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज हुआ है या नहीं। इस प्रकार से ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन, सभी ऑप्शन से हम ये चेक कर सकते हैं कि बैटरी पूर्ण चार्ज हुआ है या नहीं। अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोड्यूस्ड एक्सप्लोसिव मिक्सचर व्हेन इट इज मोर देन। अर्थात कि चार्जिंग के दौरान जो हाइड्रोजन विकसित होता है वह विस्फोटक मिश्रण की भांति काम करने लगता है। जब यह अधिक होता है, कब, तो जब यह 8% से अधिक प्रोड्यूस्ड होता, मतलब होगा, अर्थात जब यह 8% से अधिक उत्पन्न होने लगेगा तब यह एक विस्फोटक मिश्रण की भांति काम करने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, सामान्य चार्जिंग रेट के तहत चार्जिंग करंट होना चाहिए। अर्थात अगर हम नॉर्मल अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट की बात करें वो 10% होता है। अगर एग्जाम्पल से हम मान लें कोई 125 एम्पियर आवर की बैटरी है तो इसका नॉर्मल चार्जिंग रेट 125 × 10% यानी कि 10/100 टोटल ये हमारा हो जाएगा 12.5 एम्पियर के रेट से चार्ज करना चाहिए। इसकी रेंज 10 से 15% तक रख सकते हैं, 10% से 15% तक रख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सामान्य रेटिंग जो चार्ज होता है चार्जिंग रेट वो 10% तक का होगा। नेक्स्ट, लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटे की दक्षता में वाट घंटे की दक्षता का अनुपात क्या होगा। अर्थात द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी एंड वाट आवर एफिशिएंसी। अर्थात अगर हम दक्षता की बात करें एफिशिएंसी की, तो ये कह रहा है कि वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पियर आवर एफिशिएंसी का रेशियो, जिसमें
फर्स्ट टाइम एम्पियर आवर एफिशिएंसी की बात कर रहा है टू वाट आवर एफिशिएंसी, अर्थात हम एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऊपर अंश में और टू वाट आवर एफिशिएंसी वाट आवर नीचे। अब हमको पता है कि जो वाट आवर एफिशिएंसी होता है वो एम्पियर आवर की तुलना में कम होता है, अर्थात ये 80% अगर लगभग हो तो ये 95% होता है। अर्थात हम इस तरीके से देख लें कि ये एम्पियर आवर अधिक होता है और वाट आवर कम, तो अगर हम एम्पियर आवर अधिक रखें, कोई संख्या ये अधिक है, अगर मान ले ये 90 है और वाट आवर एफिशिएंसी अगर 80 है तो ये एक से अधिक आएगा, सदैव एक से अधिक आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी का वाट आवर एफिशिएंसी से अनुपात हमेशा एक से अधिक आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंट करेंट सिस्टम एंड कॉन्स्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग ए लेड एसिड सेल हैज द एडवांटेज टू, अर्थात किसी बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो उनकी विधियों में एक कॉन्स्टेंट करेंट चार्जिंग मेथड और एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेथड, इन दोनों से सेल को अगर हम चार्ज करें तो क्या फायदा होता है, क्या लाभ होती हैं। तो इनसे फायदा होता है कि रिड्यूस टाइम टू चार्जिंग, जो चार्जिंग करने का समय होता है उसमें हम कमी करते हैं, अर्थात कम समय में अच्छी तरीके से चार्ज हम कर सकते हैं, और इंक्रीज सेल कैपेसिटी और सेल की कैपेसिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। इन मेथडों से हम सेल की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और चार्जिंग के समय को भी हम घटा सकते हैं। इस तरीके से सी नंबर देखते हैं कि बोथ ए एंड बी, अर्थात सी बोल रहा है ए और दो, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेड एसिड सेल की क्षमता को मापा जाता है, ये तो सबको पता होगा लेड एसिड सेल की क्षमता को मापा जाता है, हम जानते हैं कि लेड एसिड सेल की जो क्षमता होती है या किसी भी सेल की जो क्षमता होती है वो एम्पियर आवर्स होती है। बी नंबर ऑप्शन एम्पियर आवर्स सही होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव प्लेट ऑफ एन एडिशन सेल इज मेड ऑफ, हम यहाँ पर देख रहे हैं पूछ रहा है कि नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है एडिशन सेल में। एडिशन सेल में नेगेटिव प्लेट हम जानते हैं कि एडिशन सेल को ही हम निकिल आयरन सेल कहते हैं या निकिल आयरन सेल को ही हम एडिशन सेल कहते हैं, जिसमें निकिल प्लस प्लेट होता है यानी धनात्मक और जो लोहा होता है यानी फेरम वो नेगेटिव प्लेट होता है। इस प्रकार एडिशन सेल कहें या निकिल आयरन सेल कहें, इसमें जो नेगेटिव प्लेट होता है वो आयरन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्लेटों के बी अगर प्लेटों के नीचे इलेक्ट्रोलाइट का स्तर गिरता है तो क्या होगा, निम्न में क्या होगा। तो हम देखें कि अगर इलेक्ट्रोलाइट नीचे चला जाता है और प्लेट ऊपर रहते हैं, अर्थात प्लेट अभी इलेक्ट्रोलाइट में डूबे नहीं है, तो हम जानते हैं कि सेल की कैपेसिटी कम हो जाएगी, अर्थात वो केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा। फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि कोशिका का यानी कि सेल का जीवन कम हो जाता है, यानी कि सेल की लाइफ घट जाती है, ये भी सही है क्योंकि वो सल्फेटीकरण उसका होगा, सल्फेशन ही रहेगा, अर्थात वो लेड सल्फेट का ही बना का बना रह जाएगा और इस प्रकार से उसका रेजिस्टेंस की वृद्धि होगा और वो उसके प्लेटों में स्टोरेज की कमी आएगी और इस प्रकार उसकी क्षमता में भी कमी आ जाएगी। फिर
सी है खुली प्लेटों को सल्फेट का नेतृत्व करने के लिए परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो ओपन प्लेट्स होती हैं वो सल्फेटीकरण निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी ऑप्शन ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सेल की क्षमता को कम कर देती हैं, सेल की लाइफ को घटाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सी ऑप्शन बोल रहा है कि प्लेटों में सल्फेटीकरण होने लगता है जिससे प्लेटें खराब हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आशा है ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।